राजू श्रीवास्तव की हेल्थ को लेकर ताजा अपडेट सामने आ रहा है। उनके फैंस के लिए ये राहत भरी खबर हो सकती है। डॉक्टर्स का कहना है कि उनके ब्रेन में इन्फेक्शन पूरी तरह खत्म कर दिया गया है। डॉक्टर्स का पूरा फोकस है कि राजू श्रीवास्तव को अब जल्द से जल्द होश में लाया जाए। इसके लिए राजू श्रीवास्तव को अब न्यूरो फिजियोथेरेपी देनी शुरू की गई है। एक्सपर्ट फिजियोथेरेपिस्ट की टीम उनकी बॉडी को ट्रीट कर रही है। राजू श्रीवास्तव के ब्रेन को छोड़कर पूरी बॉडी नॉर्मल रूप से काम कर रही है। उनकी बेटी अंतरा ने भी पिता की हेल्थ स्थिर होने की जानकारी दी। डॉक्टर्स का कहना है कि राजू श्रीवास्तव के ब्रेन के दो हिस्सों में ऑक्सीजन सप्लाई ठीक तरीके से हो रही है, लेकिन तीसरे हिस्से जिसे फोर ब्रेन यानी दिमाग का ऊपरी हिस्सा कहा जाता है, यहाँ ऑक्सीजन न पहुँचने की वजह से वे होश में नहीं आ पा रहे हैं। अगर राजू श्रीवास्तव के ब्रेन के इस तीसरे हिस्से में भी ऑक्सीजन पहुंच गई तो उनको होश में आने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। आपको बता दें कि हार्ट अटैक आने के बाद राजू के ब्रेन को करीब 20 मिनट तक ऑक्सीजन सप्लाई नहीं हो पाई थी, इस वजह से ही वे कोमा में पहुंच गए। राजू के परिवार के करीबी सुनील कनौजिया ने बताया कि डॉक्टर्स उन्हें होश में लाने के लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं। वे 15 दिनों से पूरी तरह कोमा में हैं। वेंटिलेटर सपोर्ट भी कम करने के प्रयास किए जा रहे हैं। आईसीयू में पत्नी रेखा को छोड़कर किसी को भी एंट्री नहीं दी जा रही। आपको बता दें कि 10 अगस्त को राजू श्रीवास्तव को हार्ट अटैक आया था। उस वक्त वे बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़े थे। उन्हें अब तक होश नहीं आ सका है। फैंस के लिए गुड न्यूज ये है कि अब राजू श्रीवास्तव के हाथों और पैरों के मूवमेंट्स पहले के मुकाबले बढ़ गए हैं। डॉक्टर्स के मुताबिक उनकी मेडिकली ग्रोथ काफी स्लो है, लेकिन मौजूदा समय में उनकी हालत से डॉक्टर्स भी बेहद कॉन्फिडेंट हैं। एम्स की न्यूरो हेड डॉक्टर पद्मा श्रीवास्तव की देखरेख में उनका ट्रीटमेंट किया जा रहा है। डॉक्टर्स का कहना है कि राजू श्रीवास्तव के स्वास्थ्य में जिस तरह से सुधार हो रहा है, उनका वेंटिलेटर एक या दो दिन में धीरे धीरे कुछ घंटों के लिए हटाया जा सकता है। पहले भी एक बार एक घंटे के लिए वेंटिलेटर हटाया गया था, अब वेंटिलेटर सपोर्ट कम किया जा रहा है। मुंह की जगह गले में छेद करके नली से ऑक्सीजन की सप्लाई दी जा रही है। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।